ये रेस्क्यू के लिए एक और जिप्सी आई अभी यहाँ पे, तो देखो उसके टायर कैसे स्किड कर रहा है। तो 4x4 मार के चलेगा वो। जोर लगाओ जोर लगाओ। चलो चलो चलो। नहीं लगेगी नहीं लगेगी नहीं आने दो। आने दो आने दो आने दो। चलो चलो चलो। यहाँ से निकल जाएगी ना, निकल जाएगी फिर। चलो यही पे दिक्कत हो रहा है। रोक क्यों नहीं, चलो। सब बैठ नहीं, अगर 4x4 की सापड़ लगी होती तो ये अकेली खींच के लेके चली जाती। 4x4 नहीं है सर? 4x4 है लेकिन सापड़ खोल के रखा आगे वाला। अरे गाड़ी आप सीधी रखिएगा। अरे वो अपने आप चली जा रही है उनकी गाड़ी। गाड़ी फिसल रही है ना, गाड़ी फिसल रही है भाई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड रनर टाइगर। रोड रनर टाइगर के इस एपिसोड में मैं हूँ इस वक्त पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा हमारी सफारी जो कि पूरी तरह से गीली होगी। बारिश हुआ झमाझम और हम भीग गए धमाधम, मतलब पूरी तरह से गीला। पहले तो हम लोग एक शेड में छिप गए थे, उसके बाद काफ़ी देर वहाँ वेट किया, फिर बारिश थोड़ी सी धीमी हुई, मैं लू के लिए आगे गया और मेरा पैर जो है वो पानी में घुस गया, जूते गीले। उसके बाद जब लौट के आने लगे तो रास्ते में वापस से बारिश, हम भी पूरी तरह से गीले। सब कुछ होने के बाद ये गुरविंदर जी हैं। हाय गुरविंदर। गुरविंदर जी का ये होमस्टे है, बहुत ही प्यारा सा होमस्टे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो रहा गेट, सफारी गेट यही है ना? बुकिंग गेट यहीं पे, बुकिंग काउंटर यहीं पे, यहीं पे बुकिंग होती है। और गुरविंदर अगली बार नया बनाने जा रहे हैं जंगल के किनारे। जंगल किनारे बना रहे हो? अलग अलग कॉटेज बढ़िया करके। और ये पूरा जंगल यही है ना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल यही है पूरा, सारा लगता हुआ है। मेन गेट सारा, मेन गेट ये वो वहाँ पे सामने वो गेट है, वो देखो मैं गेट दिखाऊंगा वो जूम करके। अरे ये देखो, ये गेट है और ये इनका होम स्टे है। और क्या बता, टाइगर यहीं पे आया था ना कल परसों में रात में? चौकी है इसके सामने, यहीं पे चौकी के बाहर टाइगर बैठा हुआ था। तो ये गुरविंदर जी हैं, कभी आप पीलीभीत अगर आए तो इनका नंबर मैं नाम नंबर दे दूंगा, आप बुकिंग भी कराते हो और स्टे भी अरेंज करा देते हो, तो ये आप यहाँ स्टे कर सकते हो। फिलहाल अब प्रोग्राम जो है हमारा वो ये है कि हम निकल रहे हैं किशनपुर के लिए। खिली हुई धूप है, अच्छी धूप है। अब उम्मीद है कि यहाँ पीलीभीत में हम रहें तो भी यहाँ सेटिंग हो सकती है। अब हम अपना किस्मत जो है किशनपुर में आजमाएंगे और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से किशनपुर के लिए। यहाँ से आई थिंक 3-3.5 घंटे का ड्राइव है, 90 किलोमीटर है, देखते हैं कब तक वहाँ पहुँचते। कुछ ना कुछ तो कांड है आज इस पूरे टूर में। सुबह सफारी में गड़बड़ हुआ। अभी क्या है कि हम लोग इस तरफ, ये जंगल है पूरा, ये पीलीभीत का पूरा जंगल है, इस तरफ देखने के लिए किधर साइड में क्या है, यहाँ पे बैरियर्स भी लगे हुए हैं, हम उस रोड में जा रहे थे, घूम रहे थे, फिर बैक करके हम इधर आए कि चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जंगल के आसपास कौन सा जगह है, ये क्या कुछ स्टे है सामने, क्या है नहीं है, वो देखने के लिए इधर आए। और यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई। हम इस तरफ से ये वाले इधर से आ रहे थे लेकिन गाड़ी जो है स्किड करके उधर चला गया। और जैसे जैसे गाड़ी बैक कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, ये पूरा देखो ये गड्ढा हो गया यहाँ पे और ये गाड़ी हमारी फंस गई है। गाड़ी अभी खड़ी है। एक भैया उधर से आ रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए हेल्प ला सकता हूँ, वहाँ से किसी को भेज सकता हूँ, तो हेल्प लाने के लिए गए हैं। अब उनका वेट कर रहे हैं कि वो कोई आए यहाँ पर, कोई पुश करे या कुछ करे, उसके बाद शायद गाड़ी निकलेगी। क्योंकि अब ऐसा है ना कि अगर यहाँ से हम लोग गाड़ी अगर बैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस जगह पर आके, यहाँ पर आके, ये देखो ये गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे सट रहा है। अब पीछे करेंगे ना तो ये वाले पे, ये कीचड़ भी है नीचे, तो इस पर ना ये गाड़ी अड़ जाएगी। अभी बिल्कुल पीछे हो गया है, अब बैक कर नहीं सकते हैं और सामने आके गाड़ी जा नहीं रही है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है इस जगह पे आके। ये रेस्क्यू के लिए एक और जिप्सी आई अभी यहाँ पे, तो देखो उसके टायर कैसे स्किड कर रहा है। कहाँ लगा रहे उसको, लग जाएगा यहाँ पे? अच्छा आके सफारी बंद है? डाल दिया। तो आज जिसकी बुकिंग होगी पहले से ऑनलाइन बुकिंग, उसे कैंसिल हो जाएगा? तो ये क्या बांध के आगे खींचोगे आप? आगे थोड़ा जोर मैं लगा था, थोड़ा आप लगाएंगे आगे।
लगाओ सब जोर अभी वो बांधेगा अभी उसमें, वो भी तो स्लिप कर रही है ना गाड़ी, दोनों साथ साथ जोर लगेगा फिर निकल जाएगी। देखो देखो उसके टायर स्किट कर रहा है। तो 4x4 मार के चलेगा वो। हम भी आ जाए जब उसमें वेट डालना होगा। हाँ वेट डालना होगा। अच्छा चलो ए शीशे आपके लॉक करिएगा, पूरा शीशा लॉक कर दो। चलो आराम से चलो, पहले तनाव दे वाला से खींचो। चलो जोर लगाओ जोर लगाओ। चलो 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 टायर सीधा टायर नहीं लगेगी नहीं लगेगी नहीं आने दो। आने दो आने दो। चलो 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 यहाँ से निकल जाएगी ना, निकल जाएगी फिर। चलो यही पे दिक्कत हो रहा है, रोक क्यों नहीं। चलो तो बैक कर पीछे को ले लो, पीछे को बस तनाव पे ले बैठ, तनाव पे ले। चलो चलो यही निकलना मुश्किल है, यही तो फंसरी गाड़ी। चलो सरों में चलो, पर मैं तो चलो तुम्हारी गाड़ी नहीं ले लोड यार, तुम्हारी होएगा सीधे, तुम्हारी गाड़ी लोड नहीं ले रही। हाँ बस 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 ऐसे रखो, थोड़ा घुमाओ बस, इधर नहीं उधर, उधर घुमाओ उधर घुमाओ उधर घुमाओ। चलो क्या हुआ, इनकी फंस गई, इनकी फंस गई, इनकी फंस गई, जिप्सी फंस गई। चलो 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 निकल गए, निकल गए, चले रहो चले रहो। थोड़ा दबाव तो नहीं चलेगी ना, चलते रहो। लेकिन सापट खोल के रखा आगे वाला, गाड़ी आप सीधी रखिएगा। अरे वो अपने आप चली जा रही है उनकी गाड़ी, गाड़ी फिसल रही है ना, गाड़ी फिसल रही है भाई। चलो चलो चलते रहो, गाड़ी बोवाली फिसल रही है। हाँ चलते रहो, यार वापस कैसे जाएंगे इस गाड़ी को लेकर? आ जाएगी वापस ना, वापस नहीं जा पाएगी। आराम से आराम से, ये रुक जा रुक जा रुक जा, खोल दिया तुमने, तो ये एक होम स्टे में, ये बाघ होम स्टे है, यहाँ पे हम लोग आए, इन्होंने ही हेल्प किया। तो यहाँ पे देखने आ रहे थे जंगल के इधर साइड में है क्या यहाँ पे, इन्होंने फिर मुझे हम लोगों को गाड़ी खींच के लाया। अभी आपने देखा मैंने पूरा रिकॉर्ड किया उसको, और अब वापस से जा रहे हैं इस रास्ते में,
और रास्ता ऐसे ही है स्लिपरी कीचड़ वाला। और दिक्कत क्या है ना कि ये जो टायर्स हैं हमारे वो हाईवे टायर्स हैं, ऑल्टरनेट टायर नहीं है। जैसे मेरी ट्यूबी में ऑल्टरनेट टायर है तो वो थोड़ा बहुत उसमें चल जाता है काम, तो स्लिप इतना नहीं होता है। गाड़ी तो वो भी फंसी है लेकिन इसमें मुझे लगता है निकल जाता। अब सर एक स्पीड में बढ़ाना, बस फ्लो एक सिंपल सा फ्लो रख के चलते रहो उसमें। टायर ये ऊपर वाले का नाम है, इसी के ऊपर ये राइट पे रखूँ। हाँ इसी राइट पे, इधर पानी है ना, इधर थोड़ा सा आना तो पड़ेगा। ये चलो 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 पीछे किस तरफ कर देते हैं। जय श्री राम, 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 निकल गए। जय श्री राम, जय श्री राम, निकलो 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 निकलो। जय श्री राम, थैंक यू भैया, थैंक यू। अब नहीं आएंगे, जय बाग होस्टे में हम कभी रहूं। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं सर आएंगे ना, नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। अच्छी जगह, अच्छी जगह, अच्छी जगह। गाड़ी बता दे, अच्छी जगह। गाड़ी फंसा दी फिर निकाली भी तो ना यार, ये तो देखो वो बेचारा, उसका क्या था, कुछ भी नहीं था, फिर भी आया हमारे को हेल्प करके। गाय है ना जो गेस्ट है, उसने सबसे पहले तो उसका एक्शन था। लोग हेल्प करते हैं, अभी दुनिया में अच्छे लोग हैं मेरे जैसे ना। आपके जैसे बिल्कुल सर, आपके जैसे अच्छे लोग हैं। अच्छी अच्छी बातें मैं कभी कर लेता हूँ। नहीं सर अच्छा है, चलो सर निकल गए। हे मेरे प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हम लोग बोले क्या किस लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे हम गए क्यों थे। वहाँ गए थे हम जंगल देखने के लिए, फिर लगा कि चलो एक प्रॉपर्टी है वो देख लेंगे, जंगल के साइड में कैसा क्या है। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतनी चिकनी मिट्टी होगी यहाँ पे और इस तरह से फंस जाएंगे। खैर किसी तरह से भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम लोग वहाँ से निकल पाए और अब वापस से इस रोड में आ गए हैं। अब स्पीड में गाड़ी हमारी चल रही है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। मेरे रिकॉर्डिंग देखो कितना तगड़ा आ रहा है यार, इसमें सामने की तरफ पूरा बादल वादल जो है ना, ऐसे रोड में बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग 90 किलोमीटर यहाँ से चलते हुए किशनपुर जाएंगे और आज हमारी कोई सफारी करने का हमारा मूड भी नहीं है और हमारा हम लगता है सफारी टाइम में पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कितना टाइम हुआ भाई, हाँ ऑलरेडी एक बजने वाला है। तो एक तो यहीं बज गया, अभी हम लोग पीलीभीत से निकले भी नहीं है और पहुँचते 4:30 बज जाएंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको और क्या क्या दिखाता हूँ। फिलहाल ये जर्नी अभी कंटिन्यूड है और ये सीरीज़ कंटिन्यूड है और कल तक हम लोग इसी लोकेशन में है, अभी किशनपुर में है। देखते हैं वहाँ भी सफारी करेंगे, क्या क्या रहेगा। रात में नाइट ट्रैक करेंगे सर, गॉड विल, यस मौका लग गया जरूर करेंगे। मौका निकाल के करेंगे सर, मौका निकाल के करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रोड है ना वहाँ पे, टूटी टाटी है, बस 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 ठीक है। तो अगर बारिश नहीं हुई तो फिर जरूर करेंगे। बारिश अगर हुई तो बारिश में निकलने का कोई मतलब नहीं है रेस्ट लेने का, लेकिन बारिश नहीं हुई तो नाइट ड्राइव जरूर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ सारी सीरीज आपको जो है पसंद आती रहेगी। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए रोड रनर टाइगर एंड डेविड द राइडर। और उसका डेविड द राइडर का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे भी डाला हुआ है टाइटल के ऊपर। और ये ठीक है, सेम नहर, नई नहर है। अच्छा जंगल के अंदर जो था, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये नहर हमने जंगल के अंदर देखा था, शारदा कैनाल। ये है, ये है ना, लेफ्ट में पक्की पटरी। अच्छा ये पक्की पटरी यही जा रहा है आगे, ओके ठीक है। ये आपको सीधा कहाँ ले जाएगी, बायफर्केशन, बायफर्केशन पे, ओके ठीक है साहब। नेक्स्ट टाइम जो आएंगे ना गॉड विलिंग इकट्ठे आए हम, तो इस रोड को रात को करेंगे, ठीक है। वो तो करेंगे जो हमने कल करी थी, इसको भी करेंगे, ठीक है सर, रात में करेंगे। दो लोग होने से ना तो हिम्मत बंदी रहती है। अरे सर मेरे अब करेंगे अपनी गाड़ी से, मेरी वाली गाड़ी से, रोड ना टाइगर से, वो हाँ वो इस काम के लिए परफेक्ट है। अरे मैं वो आने दो सर, बिल्कुल परफेक्ट होके गाड़ी बन के आने दो, उसको आग लगा देंगे सड़क के आग नहीं लगा देंगे, सड़क के ऊपर आग लगा देंगे। एक बार गाड़ी में आग लग गई, अब आग नहीं लगी, बार बार लगा रही है, ठीक है भाई। चलो आप लोग भी बने रहो चैनल के साथ, है ना। अगले एपिसोड में दिखाते हैं आपको ये सड़क, ये रास्ता। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर। और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।